ये क्वेश्चन है गेट 2016 का। इसमें आपको एक फील्ड गिवन है, फाइनाइट फील्ड, जिसका ऑर्डर 32 है, और आपको पता है क्या करना है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस। सो दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फाइंड ओनली नॉन जीरो सॉल्यूशंस इन द सेट एफ क्रॉस एफ दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे ये हमको पता करना है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के एफ क्रॉस एफ में कितने मिलेंगे ये हमको पता करना है। पहली चीज आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि अगर एक्स जीरो हो गया, अगर एक्स जीरो हो गया, मैं इसको यहां पुट कर दूं तो आप देख पाओगे तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर जीरो, और इसका मतलब वाई जीरो, क्योंकि हम फील्ड में हैं, फील्ड में वाई स्क्वायर जीरो, इसका मतलब वाई जीरो, ठीक है ना। नॉन जीरो का स्क्वायर कभी जीरो नहीं आ सकता किसी फील्ड में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर x जीरो हुआ तो y भी जीरो होगा, और इसी प्रकार से अगर y जीरो हुआ तो यहाँ पे y को जीरो पुट करोगे तो आप देखोगे x स्क्वायर जीरो होगा, इसका मतलब x जीरो होगा। इससे क्या हमको ज्ञान मिला, इससे हमको ये ज्ञान मिला कि अगर मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे x और y दोनों ही नॉन जीरो लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक जीरो हुआ, कोई भी एक x जीरो हुआ तो अपने आप y जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर y जीरो हुआ तो इसको सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई में x जीरो हो जाएगा। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशंस वी फर्स्ट ऑफ ऑल देयरफॉर फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव x नॉट इक्वल टू जीरो एंड y ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, पहली ऑब्जर्वेशन ये आप, दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर एक्स वाई के बराबर हो गया ना, अगर एक्स वाई के बराबर हो गया और फिर हम सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं कि बनेगा कि नहीं, मतलब ऐसे पेयर सॉल्यूशन बनेंगे तो क्या होगा जिनमें एक्स और वाई दोनों बराबर हो, तो यहां पे पुट करके देखिए एक्स बराबर वाई तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम ये पहले ही कह चुके हैं कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं, नॉन जीरो, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो हुआ तो हमको नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब दिस थिंग विल बी जीरो, और इसका मतलब 3x स्क्वायर जीरो, अगेन सिंस x इज नॉन जीरो सो दिस x स्क्वायर थिंग इज नॉन जीरो, दैट मींस 3 हैज टू बी जीरो, ठीक है ना। और 3 जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक है फील्ड की इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाई थ्री। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि फील्ड की करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी फाइनाइट फील्ड का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी फाइनाइट फील्ड का करेक्टरिस्टिक होता है कि उस फील्ड में वन को वन में कम से कम कितनी बार जोड़ें कि जीरो आ जाए। आपको यहां दिख रहा है कि वन को वन में 3 बार जोड़ने पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी करेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है ना, या तो वो 3 होगा या तो कोई नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, या ऐसे कह दो कि जो भी होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन करेक्टरिस्टिक f की है क्या, क्योंकि f का ऑर्डर जो है वो 32 है, f का ऑर्डर 32 है, मतलब ये है 2 की पावर व्हाट 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक तो 2 है, दिस इंप्लाइज करेक्टरिस्टिक ऑफ f इज 2, ठीक है ना। और इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 डिवाइड्स 2, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, 3 के नॉट डिवाइड 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे यह भी ध्यान में रखना है कि उन नॉन जीरो सॉल्यूशंस में x कभी भी y के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए, नाउ हमको चाहिए क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो जाए। अब ऑल्सो हमको ये भी पता चल गया कि x नॉन जीरो है, y भी नॉन जीरो है, और नॉन जीरो सॉल्यूशंस जो हमको चाहिए उसके लिए x y के बराबर भी नहीं हो सकता। तो x y के बराबर नहीं है, इसका मतलब x माइनस वाई जीरो नहीं है। अब x माइनस वाई जीरो नहीं है, थ्रू आउट x माइनस वाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और ये आपको ध्यान हो तो ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, और हमको पता है कि वाई नॉन जीरो है और फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स मिलता है, तो मैं इस वाई क्यूब के इन्वर्स से
मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ये हो जाएगा x इंटू वाई इनवर्स का होल क्यूब इज इक्वल टू वन। अब x इंटू वाई इनवर्स क्या है, फील्ड का कोई एलिमेंट है, तो फील्ड के किसी एलिमेंट का क्यूब जो है वो वन आ रहा है, इसका मतलब इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स डिवाइड्स थ्री, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू वन और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स और ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू थ्री। अच्छा, ये हम ऑर्डर की बात कहाँ कर रहे हैं, ये हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो आपके पास फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन है, जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है, उसमें हम इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अच्छा, फील्ड का ऑर्डर हमको क्या गिवन है, फील्ड का ऑर्डर है 32, तो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स का कलेक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा, 32 माइनस 1 मतलब 31। और आपको पता है किसी भी ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर एक्स वाई इनवर्स है, जो क्योंकि एक्स वाई इनवर्स इसी का एलिमेंट है एफ स्टार का, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ना फील्ड का, इसका मतलब ये एफ स्टार का एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर एफ स्टार के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, मतलब तीन तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीन जो है वो 31 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1। इसका मतलब हुआ एक्स वाई इनवर्स खुद ही 1 है, और इसका मतलब x बराबर y है, लेकिन हमने पहले ही देखा था कि x बराबर y पे कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई नॉन जीरो सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता है। सो ये जो इक्वेशन है आपका x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसके नॉन जीरो सोल्यूशन f क्रॉस f में जो है वो एक भी नहीं है। सो इसका आंसर आएगा आपका, इसका जो आंसर है दैट आंसर इज जीरो। ठीक है ना, सो देर इज नो नॉन जीरो सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन इन दिस सेट, राइट।